जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इन दिनों एक बात चर्चा का विषय है और आप भी शायद पूछना चाह रहे होंगे कि क्या आने वाले समय में बीएड और बीएसटीसी बंद हो रही है। बहुत ही चर्चा का विषय है, मुझे भी बहुत से कमेंट मिले, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर बात है वो कर ली जाए भी आने वाले दिनों में टीचर बनने का क्या तरीका रहेगा। चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आज से कहानी को स्टार्ट करते हुए आगे तक लेकर चलते हैं। आज अगर इस प्रेजेंट टाइम में अगर आप टीचर बनना चाहते हो, दो रास्ते हैं। अगर आप प्लस टू के बाद टीचर बनना चाहते हो तो आप बीएसटीसी या डीएलईडी कर सकते हो जो दो साल की है। आप इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड कर सकते हो जो चार साल की है। ये दो कोर्सेज तो आप बारहवीं के बाद कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, बीए बीएससी बीकॉम कर लिया है, तो आप दो साल की बीएड है वो कर सकते हो और टीचर बन सकते हो। तो ये तो अब का सिस्टम है। अब बात जो आपके बार बार दिमाग में आ रही है भी क्या बंद हो जाएगी या इसका तरीका चेंज हो जाएगा, तो आपको बताना चाहूंगा भारत के अंदर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो लागू हो चुकी है, क्योंकि जुलाई 2020 में केंद्रीय जो कैबिनेट है उन्होंने उसको अनुमोदित कर दिया है। तो उसके तहत ही अब जो चेंजेज है वो होने जा रहे हैं। तो इसके तहत अब आने वाले समय में, यानी बात करूं 2023-24 से, एक चीज ध्यान दीजिए, अगले साल की बात कर रहा हूं, इस साल की बात नहीं कर रहा, 2022-23 तक वालों की बात नहीं हो रही। 2022-23 वालों के लिए तो जो तरीके पूर्व में चल रहे हैं उन्हीं तरीके से बीएड बीएसटीसी चलती रहेगी। 2023-24 से क्या क्या चेंज हो रहा है, एक तो जो हम यहां पर इंटीग्रेटेड बीए बीएड की बात कर रहे हैं उसकी जगह आ जाएगा नया कंसेप्ट जिसका नाम है आईटीईपी, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आईटीईपी कब से लागू हो रहा है, अगले सेशन से 2023 और 24 से ये हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, थोड़ी सी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊं भी नई पॉलिसी के तहत जब सुझाव मांगे जा रहे थे तो एजुकेशन को लेकर, टीचर्स को लेकर काफी जो सुझाव है वो गवर्नमेंट के पास आए और उन्होंने उस चीज को ड्राफ्ट में शामिल किया। कि ये देखा गया भी भारत के ज्यादातर जो युवा है वो बीएड या बीएसटीसी इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जल्दी नौकरी मिल जाती है, बल्कि उन युवाओं का पैशन नहीं है, यानी ये शौक से वो टीचर नहीं बनना चाहते, सिर्फ जॉब के लिए बनना चाहते हैं। एक तो ये बात आई और दूसरी ये थी कि जितने भी बीएड बीएसटीसी के जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ डिग्रियां बांटने का काम है वो कर रहे हैं, न कि वहां पर कोई क्वालिटी एजुकेशन है या एक अच्छे टीचर है वो ट्रेंड हो रहे हैं, ऐसा वहां पर नहीं है। तो ये दो बड़े मुद्दे थे जो पॉलिसी मेकर थे भी हाँ इन पर फोकस किया जाए भी इसमें हम किस प्रकार से अच्छे टीचर हैं वो तैयार कर सकें, वो चीज़ें नई पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई उसके अंदर शामिल किया गया और उसी के तहत काम स्टार्ट हो चुका है, आईटीपी आ गया। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर वही बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। अब आप सोचेंगे ये तो यही बात हो गई, हाँ बिल्कुल यही बात हो गई, यही बात, यानी जो ये बीए बीएड बीएससी बीएड जो अब चल रहा है ये अब किसके अंदर शामिल हो जाएगा, ये सिस्टम आईटीईपी के अंदर हो जाएगा शामिल इसके अंदर। तो यानी इंटीग्रेटेड आपकी बीए बीएससी बीकॉम और बीएड होगी, लेकिन इसके अंदर एक खास बात जो ये रहेगी वो ये है भी इसके अंदर एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। जिन कॉलेजेस के अंदर ये कोर्सेज होंगे वहां पर बीए बीएससी बीकॉम के अंदर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और साथ में उसकी रिसर्च यानी उसके ऊपर टीचर खूब काम करेगा और यही इसकी खास बात है, यानी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस इसके अंदर रहेगा और पूरे भारत के अंदर एक एग्जाम लिया जाएगा पूरे भारत के लिए और वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा है वो लिया जाएगा। जिस प्रकार से आपको अभी बताऊं भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी आपने इन दिनों एक जानकारी प्राप्त की है वो है CUET टेस्ट के बारे में।
तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में टेस्ट अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूटी के माध्यम से ही अब वहां आपका एडमिशन होगा, वो भी हमारी नई शिक्षा नीति का हिस्सा ही है वो सिस्टम। इससे पहले क्या था, कुछ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम लेती थी और कुछ है वो 12वीं के मेरिट बेस के आधार पर सिलेक्शन है वो करते थे। अब क्या होगा, 23-24 के अंदर एनटीए द्वारा एग्जाम लिया जाएगा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। यहां एक बात और आपको समझने की है, वो ये है भी अभी आईटीपी का जो ये टेस्ट है जो 2023-24 से स्टार्ट होगा, ये जो प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा इसके अंदर अभी सभी मतलब कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां हैं वो शायद शामिल नहीं हो, क्योंकि अभी इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। हो सकता है केंद्र के अधीन जो इंस्टीट्यूट है बीएड बीएसटीसी कराने वाले उन्हीं को इसमें शामिल किया जाए और इसकी पूरी गाइडलाइन है वो आने वाले समय में जारी होगी। बाकी इन्होंने एक टारगेट रखा है, आप यहां देखिए 2023-24 से हम इस पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और टारगेट रखा है 2030 तक का, 2030 तक भारत के सभी बीएड बीएसटीसी जो कॉलेजेस होंगे उन सभी के अंदर बीएड के साथ साथ बीए बीएससी बीकॉम की सुविधा वहां रहेगी। जितने भी बीएड करवाने वाले बीएसटीसी करवाने कॉलेजेस जो करवाने वाले कॉलेजेस हैं वहां पर ये सारी फैसिलिटी रहेगी, कहां तक, 2030 तक। तो अभी ये धीरे धीरे इसके अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की संख्या बढ़ती जाएगी और 30 तक अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। हो सकता है 2030 से पहले ही गवर्नमेंट सारी प्रक्रिया अपनी पूरी कर ले, इस प्रोग्राम को सक्सेस कर ले। तो इसमें आप देखिए 2030 तक 4 वर्षीय जो एकीकृत बीएड का कार्यक्रम है वो स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। 2030 तक अगर आप कक्षा 1 से 12 का टीचर बनना चाहते हो तो आपको आईटीपीई के माध्यम से एनटीए द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा उसी के तहत आपका चयन उस निश्चित कॉलेज में होगा और वहां से आपको एक डिग्री मिलेगी। उसके बाद में जो भी शिक्षक भर्ती होगी उसमें आप बैठेंगे और आप टीचर बनेंगे, लेकिन इसका टारगेट जो रखा गया है वो 2030 तक का है। अब 2022-23 वाले जो अब आप बीएड करेंगे या बीएसटीसी प्री टेस्ट के माध्यम से करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है इस नए कंसेप्ट से। तो 2022-23 तक जिनकी बीएड बीएसटीसी हो जाएगी या उससे पहले तक जिनकी हो चुकी है उनके ऊपर इस नए सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस प्रोग्राम से उनको किसी प्रकार का लॉस है वो नहीं होगा। ये अगले सेशन 2023-24 से लागू हो रहा है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया अभी पूरे देश के अंदर 100% ये लागू नहीं हो रहा, सिलेक्टेड जगह लागू होगा और कब पूरे देश में लागू हो जाएगा, 2030 तक, यानी इससे पहले पहले लागू हो जाएगा। अब बात एक और प्यारा प्रश्न बच जाता है, तो क्या फिर अगला जो सेशन आएगा 2023-24 वाला, यानी जैसे अब जो 11वीं पास करेंगे बच्चे 12वीं में हो जाएंगे, वो अगले साल जब 2023-24 में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो क्या उनके लिए ये बीएसटीसी और 2 साल वाली बीएड का जो ऑप्शन है उसका क्या होगा? तो आपको बताना चाहूंगा आने वाले कुछ साल तक, 2 साल 3 साल तक या जो भी आगे गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा, बीएसटीसी या यूं कहूं डीएलईडी जो है ये जारी रहेगी, यानी आप 12वीं के बाद बीएसटीसी कर सकेंगे। और ग्रेजुएशन कर ली है जिन बच्चों ने या जो ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए भी 2 साल की बीएड है, यानी पीटीटी वाला जो एग्जाम है वो आगे भी जारी रहेगा। तो बीएसटीसी अभी बंद नहीं हो रही, 2 साल वाली बीएड भी अभी बंद नहीं हो रही, इसलिए किसी प्रकार की टेंशन या घबराहट आप मत रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी सी बात होती है लेकिन कई बार सोशल मीडिया हमें इतना भ्रमित कर देता है समझ में नहीं आता। एक मोटी मोटी बात ये समझे, जो इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी हो रही है उसी का ही एक संवर्धित रूप है आईटीईपी, जो आने वाले समय में ये मेन हो जाएगा। धीरे धीरे 2030 तक या उससे पहले तक ये सिस्टम शायद बंद हो जाए। लेकिन एक चीज और बताऊं, जो अपनी न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसके अंदर ये कहा गया है भी हम 4 साल वाला ये बीएड कार्यक्रम है वो आगे जारी रखेंगे। इन्हीं से बाद ये इसी के अंदर बीएसटीसी बीएड सारी चीजें इसी के अंदर हो जाएगी आने वाले समय के अंदर।
लेकिन जो काफ़ी बच्चे जो ग्रेजुएट होकर निकलेंगे उनको बाद में अगर बीएड करना वो चाह रहे हो, वो टीचर बनना चाह रहे हो, तो हम उनके लिए 2 साल वाली बीएड है वो भी जारी रखना चाहेंगे। तो 4 साल वाली तो आईटीपी के माध्यम से चलती रहेगी, क्या 2 साल वाली ये भी चला लेंगे। और जिन बच्चों ने पीजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर लिया, या ऐसी डिग्री बीए बीएससी या बीकॉम की ऐसी डिग्री जो 4 साल की है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का है, बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ बच्चा जिसने 4 साल में अपनी पढ़ाई पूरी की है, अगर वो टीचर बनना चाहे तो क्या उनके लिए हम 1 साल का बीएड कोर्स है वो ले आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक इन 2 कंसेप्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है भी इसको किस तरीके से आगे लागू किया जाएगा। अभी इस 4 साल वाले कोर्स को लेकर धीरे धीरे ये सारी चीजें 4 साल 2 साल 1 साल वाली ये सारी क्लियर होती जाएगी। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई टेंशन रखने की आवश्यकता नहीं है। बीएसटीसी भी अभी आने वाले समय में जारी रहेगी, बीएड 2 साल वाली भी जारी रहेगी, और इंटीग्रेटेड कोर्स है आईटीपी के माध्यम से ये भी जारी रहेगी। लेकिन बढ़िया यही होगा भी पूरे भारत में एक ही टेस्ट लिया जाएगा, जैसे सीयूटी का टेस्ट हो रहा है इस बार, तो उसी तर्ज के ऊपर ये होगा। और ये सारा किस सिस्टम के तहत हो रहा है, अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हो रहा है। अब आप सोचेंगे भी इन दिनों ये चर्चा का विषय क्यों बन गया, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करूं तो बांसवाड़ा के एक पत्रिका अखबार जो है उसके अंदर ये एक न्यूज आ गई थी भी हाँ अब इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी ये सब बंद हो रहा है, बस वहां आते ही फिर सारा खेल है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं बताऊं, इसकी गजट नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर 2021 में जारी हो चुका था। गजट नोटिफिकेशन यानी सरकारी जो गजट होता है उसके अंदर ये प्रकाशित हो चुका था 2021 के अंदर, अक्टूबर के अंदर। और ये सारा काम किसके तहत होता है, अपना एक इंस्टीट्यूट है एनसीटी जो कि ये एजुकेशन प्रोग्राम का सारा सिस्टम है वो यही देखता है, मान्यता देना, कोई मापदंड डिसाइड करना, वो एनसीटी का ही काम होता है। तो जुलाई 2020 में हमारी केंद्रीय कैबिनेट ने नई पॉलिसी है एजुकेशन की वो अनुमोदित कर दी, और अक्टूबर 2021 में एनसीटी को ये आईटीपी टेस्ट लाना, आईटीपी प्रोग्राम के तहत भी आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी ये आगे काम बढ़ा दिया गया है, जो कि अगले साल से लागू होगा। अगले साल से अभी तो कॉलेजेज से संपर्क किया जा रहा है, और जिन बीएड जो ऐसे बीएड कॉलेज हैं जो केवल 2 साल की बीएड ही करवाते हैं, या सिर्फ वो कॉलेज जो सिर्फ बीएसटीसी करवाते हैं, तो आगे जो गाइडलाइन होगी उसमें क्लियर हो जाएगा वो सिर्फ बीएड और बीएसटीसी कराने वाले कॉलेज हैं उन्हें बीए बीएससी और बीकॉम के सब्जेक्ट भी पढ़ाने होंगे। ये एक नया ये सिस्टम है, जो आपके आसपास बीएड बीएसटीसी का कॉलेज है जो सिर्फ बीएड बीएसटीसी करवाता है, तो आईटीपीई प्रोग्राम के तहत वहां पर भी बीए बीएससी और बीकॉम की क्लासेस यानी एक सब्जेक्ट कोई चूज करना होगा आपको, और उसी के आपको महारथी बनना होगा। ये कार्य भी इन बीएसटीसी और बीएड कॉलेज में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर भी संसाधन है वो बढ़ाए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आने वाला सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो, और रियल में जो टीचर बनने के इच्छुक हैं वो ही इस प्रक्रिया में आगे बढ़ें, सिर्फ जॉब वाले नहीं हो, यही इस नई पॉलिसी का आईटीपी प्रोग्राम के तहत उद्देश्य है। और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें हैं वो आपके क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके कोई कमेंट है तो आप कीजिएगा, रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।